हेलो एवरीवन, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको समझाया कैसे 7 पैरामीटर्स को समझना है जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन। आज मैं आपको बताऊंगा जब वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, वो है नो द नेचर ऑफ द बिजनेस। यानी कि बिज़नेस का नेचर क्या है उस पर्टिकुलर कंपनी का, वो समझिए पहले, उसके फ्यूचर इम्प्लीकेशन समझिए, उसका प्रेजेंट कंडीशन समझिए। जो 7 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे इसके पहले के वीडियो में, जो है आपका रेवेन्यू जनरेशन कितना हो रहा है, नेट प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है उसमें, कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं, रिजर्व्स कितने हैं उस कंपनी के पास, उस कंपनी के पास लॉन्ग टर्म डेप्ट है कि नहीं है, शॉर्ट टर्म डेप्ट है कि नहीं कंपनी पे, ये सब जो पैरामीटर्स है उसको प्रॉपरली समझिए, उसके प्रेजेंट कंडीशंस को समझिए, उसके बिजनेस के नेचर को एग्जैक्टली समझना है आपको। सीजनल बिजनेस है, एवरग्रीन बिजनेस है, लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस है, कंपनी कितने समय तक इस इंडस्ट्री में, कंपनी के मल्टीपल बिजनेस है कि नहीं, कंपनी एक ही सेक्टर को बिलोंग करती है या कंपनी डाइवर्सिफाई बिजनेस करती है, कंपनी के मल्टीपल बिजनेस है, ये सब पॉइंट्स आपको समझने हैं जब भी आप किसी स्टॉक में वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। तो ये सब पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए अच्छे से और उसके बाद किसी भी स्टॉक में वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए। आने वाले वीडियोज़ में और एक ऐसे पॉइंट बताऊँगा जो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग में हेल्प करेंगे। थैंक यू।